हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कोई इलेक्ट्रिकल टॉपिक नहीं कवर करूंगा। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहता हूं। यह टिप है किसी इलेक्ट्रिकल आइटम को कैसे यूज करना है, क्योंकि अगर आप किसी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट को सही तरीके से यूज करते हैं तो वह प्रोडक्ट लंबे समय तक खराब नहीं होता। तो जानेंगे इस वीडियो में इसका क्या रीजन है, और साथ में जानेंगे कि किसी इलेक्ट्रिकल आइटम को जब आप परचेज करते हैं तो मैनुअल्स आते हैं, तो इन मैनुअल्स का क्या इम्पोर्टेंस होता है। So let's start our video. Guys, कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम जिसे आप खरीदते हैं उसको हम एक निर्धारित समय तक यूज कर सकते हैं। अगर हम उसे काफी ज्यादा समय तक यूज करेंगे तो यह उसका नॉर्मल यूज नहीं होगा और वह कुछ समय बाद खराब हो जाएगा। मान लेते हैं हम फूड मिक्सर जूसर खरीदते हैं और उसे काफी समय तक जूस बनाने में लगातार इस्तेमाल करते हैं, तो इसके अंदर की मोटर हीट होने लग जाएगी, क्योंकि मोटर की वाइंडिंग में लंबे समय से करंट फ्लो हो रहा है। हीट की वजह से वाइंडिंग वीक हो जाएगी, इसलिए हमें फूड मिक्सर जूसर को आधे घंटे के यूज करने के बाद 15 मिनट के लिए बंद रखना चाहिए और फिर दोबारा हम आधे घंटे तक यूज कर सकते हैं। ये टाइमिंग्स प्रोडक्ट और उनके मॉडल के अनुसार अलग अलग होती हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने की जरूरत होती है कि अगर फूड मिक्सर जूसर को गलती से खाली चलाएंगे, मतलब इसके जार में फ्रूट्स या वेजिटेबल नहीं डालेंगे, तो यह नो लोड कंडीशन बोली जाती है और इसकी मोटर नो लोड पर कुछ समय में ही खराब हो जाएगी। कुछ उदाहरण और भी हैं जहाँ हमें इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स को यूज करना आना चाहिए, जैसे कि जो ब्लोअर हीटर और रूम हीटर्स होते हैं इनको कवर नहीं रखना चाहिए। हीटर्स को कवर रखने से काफी ज्यादा हीट के कारण आग भी लग सकती है। गाइज, केवल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जैसे मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, टैबलेट्स, इनको भी सही से यूज करना आना चाहिए। हमें फोन्स और लैपटॉप्स की चार्जिंग को 100% चार्ज होने के बाद बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ओवर चार्जिंग हो जाएगी, और जब इनकी चार्जिंग लो रहती है तब बैटरी का सिंबल रेड कलर का हो जाता है, तो इन्हें जल्दी से चार्जिंग पर लगाना चाहिए, नहीं तो डीप डिस्चार्जिंग हो जाएगी। बार बार ओवर चार्जिंग और डीप डिस्चार्जिंग होने से फोन्स और लैपटॉप की बैटरी लाइफ कम हो जाती है। गाइज, ये सभी इंफॉर्मेशन हमें प्रोडक्ट के साथ मिले यूजर मैनुअल और टेक्निकल मैनुअल में दी होती है। इन मैनुअल्स में लिखा होता है वोल्टेजेस के बारे में कि कितनी वोल्टेज सप्लाई पर ये प्रोडक्ट सही से वर्क करते हैं, ऑपरेटिंग टाइम के बारे में कितने समय तक आपको इसको ऑन रखना चाहिए, कहीं कहीं पर रेस्ट टाइम दिया होता है कि कितने समय के यूज करने के बाद आपको कितने समय तक प्रोडक्ट को ऑफ रखना चाहिए, उसके बाद आप उसे यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर प्रोडक्ट्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि अगर हम काफी ज्यादा ठंडे और काफी ज्यादा गर्म एरियाज में इनको ले जाकर यूज करेंगे तो भी प्रोडक्ट सही से काम नहीं कर पाएंगे। और भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें इन मैनुअल से मिलती है, जिसे हम पढ़कर सही से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, और इससे आपका प्रोडक्ट काफी लंबे समय तक खराब नहीं होगा, इसलिए प्रोडक्ट के साथ मिले मैनुअल्स काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। गाइज, ये थी कुछ जरूरी बातें जिनको आपको किसी इलेक्ट्रिकल आइटम को यूज करते वक्त ध्यान देना चाहिए। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट टिप अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में।